थैंक यू मैम। मैडम आपका शुक्रिया। बाय लॉन्गस्टन ह्यूज। ह्यूज। समवेयर इन अमेरिका एक दुबला पतला लड़का एक कद्दावर खातून का पर्स छीनने की कोशिश करता है, नाकाम हो जाता है। वो खातून गिरेबान से पकड़ लेती है और एक ऐसा दिलचस्प सबक सिखाती है कि लड़का भी कह उठता है, थैंक यू मैम। शी वॉज अ लार्ज वेमन। वो एक कद्दावर खातून थी विद अ लार्ज पर्स, एक बड़े पर्स के साथ। दैट हैड एवरी थिंग इन इट। लगता था इस पर्स में दुनिया भर की हर चीज़ मौजूद है, बट अ हैमर नहीं है। अगर इसमें कुछ तो एक हथौड़ी की कमी एंड नेल्स, और कुछ कील नहीं है। मीन्स ये पर्स इतना बड़ा था, लगता था ये कारपेंटर का पर्स है, बढ़ाई का। एक बड़े कद की औरत एक बड़े पर्स के साथ थी और इस पर्स में हर चीज़ मौजूद थी। हैवी पर्स था लेकिन ये बढ़ाई का पर्स नहीं था। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप। इसकी एक लंबी पट्टी थी पर्स की। एंड शी कैरिड इट। और उसने इसे उठाया हुआ था स्लंग लपेट कर अक्रॉस हर शोल्डर, अपने शोल्डर के साथ। पट्टी को उसने शोल्डर के साथ लपेटा हुआ था, यानी कि मजबूती से पकड़ा हुआ है उसने पर्स। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त है। डार्क एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन। तारीकी है और वो तन्हा चल रही है। व्हेन अ बॉय रैन अप। एक लड़का जब पीछे से आया भागता हुआ, बिहाइंड उसके पीछे हर, एंड ट्राई टू स्नैच हर पर्स। स्नैच छीनना, और कोशिश की पर्स छीनने की। द स्ट्रैप ब्रोक विद अ सडन सिंगल टग। एक ही अचानक मिलने वाले झटके से पर्स की पट्टी टूट गई। द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड। वो झटका जो लड़के ने पीछे से पर्स को दिया था। बट द बॉयज वेट। लेकिन लड़के का वजन, क्योंकि वो दुबला पतला था, हल्के वजन का था, एंड द वेट ऑफ द पर्स, और पर्स का वजन, लड़के का वजन और पर्स का वजन कंबाइंड, जब उनका मिलान होता है, वो कंबाइन होते हैं दोनों वेट, तो क्या होता है, कॉज्ड हिम, तो वजह बन जाती है टू लूज हिज बैलेंस, कि लड़का अपना बैलेंस खो बैठता है, लड़का अपना तवाजुन खो बैठता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, बजाय इसके कि वो फुल ब्लास्ट टेकिंग ऑफ कि छीन कर ले जाता झटके से, फुल ब्लास्ट एक ही झटके से, टेकिंग ऑफ छीन कर ले जाता, एज ही हैड होप, जैसा कि लड़के ने उम्मीद की थी, बजाय इसके कि लड़का पर्स छीन कर ले जाता जैसा कि उसने उम्मीद की थी। द बॉय फेल ऑन हिज बैक। लड़का अपने पिछवाड़े पर जा गिरा, अपने ही पिछवाड़े पर गिर गया। ऑन द साइड वॉक फुटपाथ पर, एंड हिज लेग्स फ्लू अप, और उसकी टांगें ऊपर उठ गई। द लार्ज वेमेन, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। द लार्ज वेमेन सिंपली टर्न्ड अराउंड। वो बड़े कद की औरत आसानी से मुड़ी। एंड किक्ड हिम राइट स्क्वायर। उसने बिल्कुल सही जावे पर एक किक लगाई। इन हिज ब्लू जीन सीटर, उसकी ब्लू जीन्स वाले पिछवाड़े पर, ब्लू जीन्स वाले पिछवाड़े पर बिल्कुल सही जावे पर उसने एक किक लगाई। देन शी रीच डाउन, फिर वो नीचे झुकी। पिक द बॉय अप बाय हिज शर्ट। लड़के को उसकी शर्ट से उसने पकड़ लिया, फ्रंट गिरेबान से पकड़ लिया। एंड शूक हिम अंटिल हिज टीथ रैटल्ड, और उसने सही झंझोड़ा, शूक झंझोड़ा, अंटिल हिज टीथ रैटल्ड, यहाँ तक के लड़के के दांत बजने लगे, रैटल्ड बजने लगे। आफ्टर दैट द वैमन सेड, इसके बाद औरत ने कहा, फेक अप माई पॉकेट बुक, मेरी पॉकेट बुक उठाओ ज़रा, बॉय मेरा बटवा तो उठाओ ज़रा, एंड गेव इट हेयर, और मुझे दो। शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली, अभी तक उस औरत ने उसे टाइटली सख्ती से पकड़ा हुआ था। बट शी बेंट डाउन इनफ, लेकिन
وہ عورت کافی حد تک خود جھک گئی تھی ٹو پرمٹ ہم تاکہ وہ لڑکے کو اجازت دے ٹو اسٹوپ کہ لڑکا بھی جھک سکے اسٹوپ جھک سکے اینڈ پک اپ ہر پرس اور اس کا پرس اٹھا سکے. دین شی سیڈ پھر عورت نے کہا ناؤ اینڈ یو اشیمڈ آف یور سیلف کیا تمہیں شرم نہیں آتی اینٹ اور ناٹ کیا تمہیں شرم نہیں آتی. فرملی گرپڈ بائی شرٹ فرنٹ اور مضبوطی سے پکڑے جانے والے گربان سے پکڑے جانے والے لڑکے نے دا بوائے سیڈ لڑکے نے کہا یس میم میڈم ہاں آتی ہے. دا ویمن سیڈ عورت نے کہا واٹ ڈیڈ یو وانٹ ٹو ڈو ویٹ فار تم ایسا کس چیز کے لیے کرنا چاہتے تھے یعنی کہ تمہاری کیا ضرورت تھی ایسی کہ تم میرے پرس کو چھیننے پر مجبور ہوئے. دا بوائے سیڈ لڑکے نے کہا آئی ڈونٹ ایم ٹو میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا میرا ایسا مقصد نہیں تھا. شی سیڈ یو آر لائے تم تو مکمل ایک جھوٹ ہو. بائی دیٹ ٹائم ٹو آر تھری پیپل پاسڈ اس وقت تک دو تین لوگ وہاں سے گزرے اسٹاپڈ کچھ ٹھہرے ٹرن ٹو لک اور مڑ کر دیکھا اینڈ سم اسٹوڈ واچنگ اور کچھ تو چلے گئے اور کچھ ٹھہر کر دیکھتے رہے کہ کیا معاملہ ہے. If I turn you loose اگر میں تمہیں چھوڑ دوں یہ وہ قدور عورت کہتی ہے Will you run کیا تم بھاگ جاؤ گے. Asked the woman عورت نے کہا Yes ma'am said the boy ہاں میں بھاگ جاؤں گا. لڑکے نے کہا یہ میم کو دیکھیں یہ اوپر کنٹرکشن بولتے ہیں اسے کاما دے کر سینٹینس کو فریز کو خوبصورت کیا جاتا ہے یہ ویسے میڈم لفظ ہے تو یس میم آخری ایم میم کا لگایا گیا ہے تو بس آپ نے یس میم پڑھنا ہے. دین آئی ووڈنٹ ٹرن یو لوز تو پھر میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی سیڈ دا ویمن عورت نے کہا. She did not release him. اس نے اسے نہیں چھوڑا. Lady, I'm sorry. محترمہ مجھے معاف کر دیجئے. Whispered the boy. لڑکے نے سرگوشی کی آہستہ سے بولا ہاں ہاں Your face is dirty. تمہارا چہرہ تو بہت گندا ہے. I got a great mind to wash your face for you. میرا ایک خیال ہے کہ پہلے میں تمہارا منہ دھلوا دوں. اینڈ یو گاٹ نو باڈی ہوم کیا تمہارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے ٹو ٹیل یو تمہیں بتانے کے لیے ٹو واش یور فیس کہ تم اپنا گندا چہرہ دھو. ڈبل میننگز ہیں گندا چہرہ یعنی کہ تم گندے کام کرتے ہو گندا چہرہ لڑکے کا چہرہ واقعی گندا تھا. نو میم سیڈ دا بوائے نہیں کوئی بھی نہیں ہے میم گھر میں لڑکے نے کہا. دین اٹ ول گیٹ واش دس ایوننگ تو پھر آج شام یہ چہرہ دھلا جائے گا سیڈ دا لارج ویمن اس بڑی قد کی عورت نے کہا اسٹارٹنگ اپ دا اسٹریٹ اور گلی میں داخل ہوتے ہوئے ڈریگنگ دا فرائٹنڈ بوائے بیہائنڈ ہر اور لڑکے کو ڈرے ہوئے لڑکے کو اپنے پیچھے ڈریگنگ گھسیٹتے ہوئے وہ گلی میں داخل ہوئی. فرائٹنڈ ڈرا ہوا ڈریگنگ کھینچنا اسٹارٹنگ اپ گلی میں داخل ہوتے ہوئے. ہی لکڈ ایز ایف ہی ور 14 اور 15 ایسا دکھائی دیتا تھا کہ لڑکا 14-15 سال کا ہے فریل دبلا پتلا ہے کمزور اینڈ ولو وائلڈ اور چھریرے بدن کا ہے جنگلی بید کی طرح ہے پتلا ہے یعنی کہ جنگلی بید کہتے ہیں. ان ٹینس شوز اور اس نے ٹینس شوز پہنے ہوئے ہیں اینڈ بلو جینز اور بلو جینز پہنی ہوئی ہے. دا ویمن سیڈ عورت نے کہا یو آؤٹ ٹو بی مائی سن تمہیں تو میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا. آئی وو ٹیچ یو رائٹ فرام رانگ میں تمہیں غلط سے صحیح سکھاتی. لیسٹ آئی کین ڈو رائٹ از ٹو واش یور فیس کم از کم لیسٹ کم از کم
मैं अब ये कर सकती हूँ कि तुम्हारा चेहरा धुलवा दूँ। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? नो मैम, नहीं मैम, सेड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय, पीछे से घसीटे जाने वाले लड़के ने जवाब दिया। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज, मैं सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। Was I bothering you when I turned that corner? जब मैं इस कॉर्नर से, इस नुक्कड़ से मुड़ रही थी, क्या मैं तुम्हें तकलीफ दे रही थी? Bothering, तकलीफ देना, परेशान करना। Asked the woman, woman ने पूछा। No ma'am, नहीं मैडम। पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। But you put yourself in contact with me, लेकिन तुमने खुद ब खुद अपने आप को मुझसे उलझाया है। Contact, उलझाया है, ताल्लुक पैदा किया है। Said the woman, औरत ने कहा। If you think that contact is not going to last a while, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये उलझाओ, ये ताल्लुक ज़्यादा देर तक कायम रहने वाला नहीं है, you got another thought coming, तो तुम अपने जहन को कहो कि वो कुछ और सोचे। तो फिर तुम अपने जहन में कोई और सोच आने दो, ये सोच जहन से भी निकाल दो कि ये ताल्लुक वक्ती है, अब तो ताल्लुक लंबा है, शायद पुलिस स्टेशन ले जाएगी। When I get through with you, जब मैं तुमसे मिली, सर, यू आर गोइंग टू रिमेंबर, वेन आई गेट थ्रो विद यू, जब मैं दोबारा कभी तुमसे मिलूं, जनाब, यू आर गोइंग टू रिमेंबर, तो तुम्हें याद आ जाए, मिसेज लियोला बर्ट वाशिंगटन जोन्स, के मिसेज लियोला बर्ट वाशिंगटन जोन्स जा रही है, जब मैं दोबारा तुमसे कभी मिलूं, तो तुम्हें पता चल जाए, याद आ जाए, ओह मिसेज लियोला बर्ट वाशिंगटन जोन्स। स्वेट पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस, लड़के के चेहरे से पसीना फूट पड़ा। एंड ही बिगन टू स्ट्रगल, और वो कोशिश करने लगा अपने आप को छुड़ाने की। मिसेस जोन्स स्टॉप्ड, मिसेस लियोला बर्ट वाशिंगटन जोन्स रुक गई। जर्क्ड हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर, उसने उसके गिरबान से उसको झटके दिए। पुट हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, और उसकी गर्दन में पकड़ लगा ली। नेल्सन एक दाव का नाम होता है, ये बगल से हाथ गुजार कर गर्दन के ऊपर हाथ रख लिया जाता है, बंदा बेबस हो जाता है। तो उसने नेल्सन लगा दी, उसने पकड़ लगा दी। एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट, और नेल्सन लगाकर, पकड़ लगाकर, पहलवानी दाव लगाकर वो उसे फिर दोबारा ड्रैग, उसे घसीटने लगी गली में। व्हेन शी गॉट टू हर डोर, जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंची, शी ड्रैग द बॉय इनसाइड, उसे लड़के को अंदर घर में घसीटा। डाउन अ हॉल, एक हॉल में, एंड इनटू अ लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम, और एक बड़े किचन वाले रूम में ले गई। किचनेट फर्निश्ड, ऐसा रूम जिसके अंदर किचन भी हो, जदीद अमेरिकन किचन इस तरह होते हैं, बड़ा हॉल होता है, हॉल के अंदर ही एक दीवार कर दी जाती है, किचन बना दिया जाता है, तो खातून खाना वहीं बैठकर, वहीं ठहर कर काम भी करती है, और फैमिली के बाकी मेंबर से गपशप भी करती रहती है, और फैमिली के बाकी मेंबर्स खाना पकने की खुशबू और खातून की गुफ्तगू से महजूज होते हैं। तो हमारे यहाँ भी एक अमेरिकन किचन बनाना है घरों में जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो एक लॉज किचनेट फर्निश्ड, फर्निश्ड बना हुआ, सेट किया हुआ, किचन सेट किया हुआ था रूम के अंदर। वो एक किचन वाले रूम में, उसे बड़े किचन वाले रूम में ले गई, एट द रेयर ऑफ द हाउस, जो घर की पिछली तरफ था। यहाँ तक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ ख़त्म होता है। शी स्विच्ड ऑन द लाइट, उसने लाइट जलाई, रोशन किया कमरा, एंड लेफ्ट द डोर ओपन, दरवाजा खुला छोड़ दिया। द बॉय कुड हियर अनदर रूमर्स लाफिंग, लड़का दूसरे कमरों के अंदर से हंसने की आवाजें सुन सकता था।
एंड टॉकिंग और गुफ्तगू सुन सकता था इन द लार्ज हाउस, इस बड़े घर में। शायद वहाँ पर बड़ा घर था, उसमें बाकी लोग भी रहते थे, रेंट पर रहते होंगे मे बी। तो ये खातून भी एक रूम में रहती थी, तो वहाँ दूसरे कमरों से आवाज़ें आ रही थी, लेकिन खातून ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन, कुछ कमरों के दरवाजे खुले थे टू, सो ही न्यू, बस वो जानता था, ही एंड अ वैमन वर नॉट अलाउन, कि वो और औरत अकेले नहीं हैं। लड़के के जहन में ये भी था, अमेरिकन सोसाइटी में ऐसा होता है कि वैमन वहाँ पर वो ऐसी गलतियों पर लड़कों को जब ले जाती हैं तो फिर वो उन्हें सेक्स पर आमादा करती हैं। यहाँ लड़के को ये इंकशाफ हो गया, दरवाज़ा भी खुला है और यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, तो मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होने वाली। द वैमन स्टिल हैड हिम बाय द नेक, औरत ने अभी तक उसे गर्दन से दपोचा हुआ था। इन द मिडल ऑफ अ रूम, अपने कमरे के दरमियान में, शी सेड, उसने कहा, व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा। रॉजर, आंसर द बॉय, लड़के ने कहा, मेरा नाम रॉजर है। देन रॉजर, फिर रॉजर, यू गो टू दैट सिंक, जाओ उस सिंक पर, बेसन पर, एंड वॉश योर फेस, और अपने चेहरे को धो डालो, सेड द वैमन, औरत ने कहा। वेयर अपॉन शी टर्नड हिम लूज, और इस मौके पर औरत ने उस लड़के को छोड़ दिया, एट लास्ट, आखिरकार, और छोड़ दिया, कहा जा अपना मुंह धो के आ। राजर लुक्ड एट द डोर, राजर ने दरवाजे की तरफ देखा, लुक्ड एट द वैमन, औरत की तरफ देखा, लुक्ड एट द डोर, दरवाजे की तरफ देखा, एंड वेंट टू द सिंक, और वो सीधा सिंक पर चला गया। लड़के ने सोचा कि औरत क्या चाहती है, मैं भाग जाऊं या मैं भाग जाऊं, लेकिन फिर उसने कहा, नहीं, मुझे मुंह धोना चाहिए, ये खौफनाक औरत है। लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म, पानी को उस वक्त तक टैप से, नल से बहने देना जब तक ये गर्म ना आ जाए। हमें पता है वो क्या कह रही है, अक्सर हम भी ऐसा करते हैं, पानी थोड़ी देर चलने देते हैं ताकि गर्म पानी आ जाए, खासकर सर्दियों में। शी सेड, उसने कहा, हेयर इज अ क्लीन टॉवल, और यहाँ पड़ा हुआ है एक साफ सुथरा टॉवल, तौलिया। यू गोना टेक मी टू जेल, आस्क द बॉय, लड़के ने पूछा, यू गोना, गोना का मतलब है तुम ले जाना चाहती हो, ठीक, तुम जाना ले जाना चाहती हो मुझे टू जेल, जेल में, क्या तुम मुझे जेल ले जाना चाहती हो, लड़के ने पूछा। बेंडिंग ओवर द सिंक, उस सिंक पर झुकते हुए, लड़के ने सोचा कि अगर ये जेल ले जाती है तो यहीं से ही भाग जा मुंह धोते हुए। नॉट विद दैट फेस, इस गंदे चेहरे के साथ मैं तुम्हें जेल नहीं ले जाऊंगी, आई वुड नॉट टेक यू नोवेयर, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगी कहीं भी नहीं, सेड द वैमन, औरत ने कहा, हियर आई एम ट्राइंग टू गेट होम टू कुक मी अ बाइट टू ईट, यहाँ घर में अब मैं कोशिश कर रही हूँ पकाने की, खाने के लिए कुछ ना कुछ बाइट, कोई एक दो नवाले, एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक, और तुम हो कि मेरा पॉकेट बुक छीन कर ले जा रहे थे, मे बी यू एंट बीन टू यूर सफर आइदर, मेरे ख्याल में तुमने अपना शाम का खाना नहीं खाया, लेट एज इट बी, जिस तरह के लेट हो गया है, हैव यू, क्या तुमने खाया है। देयर इज नो बॉडी होम एट माई हाउस, मेरे घर में तो कोई भी नहीं है, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। देन वी विल ईट, सेड द वैमन, औरत ने कहा, ठीक है फिर हम खाएंगे इकट्ठे। आई बिलीव यू आर हंग्री, मुझे यकीन है तुम भूखे हो, और बिन हंग्री या भूखे रहे हो, टू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक, इसीलिए तो तुमने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की है। आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ ब्लू सूट शूज, सूट शूज, मैं सूट नरम लेदर वाले, नरम चमड़े वाले, मैं नरम लेदर वाले शूज खरीदना चाहता था, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। लड़के ने बताया, मैं शूज़ खरीदना चाहता था,
इसलिए मैंने आपका पर्स छीनने की कोशिश की है। वेल यू डोंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम सूट शूज, तो तुम्हें सूट शूज परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए मेरा पर्स नहीं छीनना चाहिए था, सेड मिसेज लियोला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स, इस चमगादड़ नुमा वाशिंगटन जॉन्स ने कहा। यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम्हें मुझे कह देना चाहिए था, अगर तुम मुझे कहते तो मैं तुम्हें पैसे दे देती। मैं कहता है मैडम, द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे से पानी टपक रहा था, यानी कि लड़के को ये अंदाज़ा हो गया कि इस चमगादड़ नुमाब का दवर औरत के अंदर बड़ा अच्छा दिल भी है, कि अगर मैं इसे पैसे मांगता तो मुझे दे देती। द बॉय लुक्ड एट हर, लड़के ने उसकी तरफ देखा। देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज, एक लंबा वक्फा आया, अ वेरी लॉन्ग पॉज, एक बड़ा लंबा वक्फा, दोनों एक दूसरे को तक रहे हैं। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस, और उसके बाद उसने अपना चेहरा साफ कर लिया। एंड नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू डू, और वो नहीं जानता था कि मजीद क्या करना है। ड्राइड इट अगेन, उसने चेहरे को फिर से साफ करना शुरू कर दिया। द बॉय टर्नड अराउंड, और फिर लड़का मुड़ा। वंडरिंग व्हाट नेक्स्ट, और हैरान शशधर था कि क्या करना है। द डोर वॉज ओपन, दरवाजा खुला था। ही कुड मेक अ डैश फॉर इट, वो डाउन द हॉल, वो नीचे हॉल की तरफ एक बड़ी छलांग लगा सकता था, यानी कि हॉल की तरफ वो छलांग लगा के भाग सकता था। ही कुड रन, वो भाग सकता था। रन रन रन, वो भाग जाता भाग जाता भाग जाता। द वैमन वॉज सिटिंग ऑन द डे बेड, औरत सोफे पर बैठी थी, डे बेड सोफे पर। After a while she said, उसने कहा थोड़ी देर बाद, I was young once and I wanted things I could not get, मैं भी जवान थी, मैं कुछ चीज़ें चाहती थी जो मैं हासिल नहीं कर सकती थी। जब मैं जवान थी मेरे अंदर भी ख्वाहिशात होती, मैं कुछ चीज़ें हासिल करना चाहती लेकिन मेरी दस्तरस से बाहर थी। There was another long pause, फिर एक लंबा वक्फा आया। द बॉयज माउथ ओपन, लड़के का मुंह खुला का खुला रह गया। देन ही फ्राउंड, फिर उसने माथे पर बल डाल लिए। नॉट नोइंग ही फ्राउंड, ना जानते हुए कि तेवरी उसने माथे पर क्यों चढ़ा दी है, बल क्यों आ गए हैं, परेशानी और गुस्सा उसे क्यों आ रहा है। औरत ने कहा कि मैं भी जब जवान थी तो मैं भी कुछ चीज़ें हासिल करना चाहती थी, मेरी ख्वाहिश थी लेकिन मैं हासिल नहीं कर सकती थी। इसका अगला सेंटेंस क्या होना चाहिए आप बताइए? इसका अगला सेंटेंस यही होना चाहिए था, ये खातून कहती, लेकिन बेटा मैं लोगों के पर्स नहीं छीना करती थी, मैं अच्छी थी, सब्र करती थी, ऐसा कहना चाहिए था। लड़का यही तवक्को कर रहा है कि ये ऐसा कुछ कहेगी अब, लेकिन वो तो खामोश हो गई है। अच्छा, द वैमन सेड, औरत ने कहा, यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, तुम सोच रहे हो कि मैं आगे कहने जा रही हूं, बट डिडेंट यू, क्या तुम ऐसा नहीं सोच रहे? मैं जो आगे कहना जा रही हूं तुम वो सोच रहे हो, क्या तुम ऐसा सोच रहे हो? यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, तुमने सोचा कि मैं ये कहने वाली हूं, बट आई डिडेंट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक्स, कि मैं लोगों की पॉकेट बुक बटवा नहीं छीना करती थी। वेल, ऐसा सोच रहे हो ना? I wasn't going to say that, मैं ये नहीं कहने जा रही, यानी कि वो उसे कह रही है, तुम अगर चीजें हासिल करने के लिए पर्स छीन रहे हो
तो मैं भी बड़ी फनकार रही हूं अपनी जवानी में, मैं भी ऐसे बहुत सारे काम कर चुकी हूं। तू उस्ताद है तो मैं भी उस्ताद हूं। उस्तादों को उस्ताद मिल जाते हैं। एक मर्तबा एक खातून जो बहुत ही चालाक थी, वो एक शॉप पर गई। उसने देखा कि शॉप पर एक चीनी का कदीम प्याला रखा हुआ है। उसने कहा, ये प्याला परचेज करना चाहिए, कम से कम ये $50,000 का होगा, बड़ा कदीम है। उसने कहा, कैसे हासिल करें इस दुकानदार से? तो उसने देखा कि वो प्याला बिल्ली की आगे रखा था। उसने दुकानदार से कहा कि आप ये बिल्ली मुझे बेच देंगे? उस आदमी ने कहा, नहीं। फिर आदमी ने कहा, अगर आपको बहुत पसंद है तो मैं बेच दूंगा। उस औरत ने कहा, कितने की? उसने कहा, $300 की। औरत ने कहा, ये लीजिए $300, बिल्ली मुझे दे दीजिए। उसने बिल्ली दे दी। दरवाजे पर पहुंची, कहने लगी, अब ये प्याला भी आपके किसी काम का नहीं होगा, ये प्याला आप मुझे दे दीजिए। शॉपकीपर ने कहा, मोहतरमा, ये प्याला मैं आपको नहीं बेच सकता। औरत ने कहा, क्यों? उसने कहा, इसी प्याले की वजह से मैं अब तक 400 बिल्लियां बेच चुका हूं। तो ये लड़का अगर चोर था तो मिसेस लियोला बैट्स वाशिंगटन जॉन्स भी बड़ी चोर थी। पॉज, खामोशी, वक्फा, साइलेंस, खामोशी। आई हैव डन थिंग्स टू, मैंने भी कुछ ऐसे खराबे किए हैं, गलत चीज़ें की हैं, विच आई वुड नॉट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी सन, बच्चे, नैदर टेल गॉड, मैं तो खुदा को भी नहीं बताऊंगी कि मैंने क्या क्या फनकारियां लगाई हैं जिंदगी में। इफ ही डिडेंट ऑलरेडी नो, अगर खुदा को पहले से ही पता ना हो तो। एवरीबॉडी इज गॉट समथिंग इन कॉमन, हर शख्स कोई चीज़ एक जैसी ज़रूर करता है, कॉमन करता है। सो यू सिट डाउन, बस तुम बैठ जाओ, वाइल आई फिक्स यू अ फिक्स अस समथिंग टू ईट, कि मैं खाना लगा लूँ खाने के लिए, मैं कोई चीज़ यहाँ पर सेट कर दूँ, रख दूँ, अरेंज कर लूँ खाने के लिए, तुम बैठ जाओ। यू माइट रन दैट कॉम थ्रू योर हेयर, तुम अपने बालों में ज़रा कंघी कर सकते हो, सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल, कि तुम थोड़े अच्छे लगो। लड़के को वो शक में डाल देती है कि औरत उसके साथ कुछ गलत भी कर सकती है, उसे जरा प्यारा प्यारा बनाने के बाद। इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के एक और कोने में, बिहाइंड अ स्क्रीन, पर्दे के पीछे, वॉज अ गैस प्लेट, वहां एक चूल्हा था, एंड एन आइस बॉक्स, और एक फ्रिज था। मिसेस जोन्स गॉट अप, मिसेस जोन्स उठी एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, उस शीशे के पीछे चली गई, पर्दे के पीछे। द वैमन डिड नॉट वॉच द बॉय, औरत उस लड़के को देख नहीं रही थी, टू सी, ये देखने के लिए, इफ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, कि क्या अब वो भाग जाता है कि नहीं। नॉट डेड शी वॉच हर पर्स, ना ही अपना पर्स देख रही थी कि लड़का उसका पर्स लेकर भागता है कि नहीं। विच शी हैड लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डे बेड, जो उसने लड़के के पीछे सोफे पर रख दिया था। चोर था, भाग भी सकता था, पर्स भी लेकर भाग सकता था, लेकिन खातून ने उस पर पूरा एतमाद शो किया। बट द बॉय टुक केयर टू सिट ऑन द फॉर साइड, लेकिन लड़के ने एहतियात बरती कि वो दूर जाकर बैठ गया, ऑफ द रूम, रूम में, अवे फ्रॉम द पर्स, पर्स से दूर, वेयर ही थॉट, जहां पर लड़के ने सोचा, शी कुड इजीली सी, कि औरत अगर देखना चाहे, सी हिम, तो वो आसानी से देख सके, आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आई, अपनी आंख के किनारे से, इफ शी वॉन्टेड टू, अगर वो देखना चाहे। लड़का भी ऐसी जगह पर बैठ गया जिसने एतमाद शो कराया कि अगर मिसेज लियोला बैट्स उसे देखना चाहे तो कुन अखियों से, किनारों से, वो उसे देख सके कि मैं ठीक ठाक बैठा हुआ हूँ, भाग नहीं रहा। दोनों ने एक दूसरे पर एतमाद किया, एतमाद की फिजा पैदा हो गई।
ही डिड नॉट ट्रस्ट द वैमन, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ चल रहा है। ही डिड नॉट ट्रस्ट द वैमन, उसने नॉट टू ट्रस्ट हिम, ही डिड नॉट ट्रस्ट द वैमन, वो नहीं चाहता था वो औरत को, औरत का ये एतमाद नहीं चाहता था, नॉट टू ट्रस्ट हिम, कि औरत उस पर एतमाद ना करे। ही डिड नॉट ट्रस्ट द वैमन, उसने औरत को इस भरोसे में नहीं छोड़ा कि औरत उस पर भरोसा ना करे, यानी कि उसने औरत को इस औरत को ये मौका नहीं दिया कि औरत उस पर अब एतमाद ना करे, यानी कि उसने पूरा मौका दिया कि वो उस पर एतमाद करे ऐसी जगह बैठकर। एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ, अब वो बेएतमादा नहीं होना चाहता था, अब वो औरत की आंखों में बेएतमादा नहीं होना चाहता था, अब वो नहीं चाहता था कि औरत उस पर शुबा करे, यूं लिख दीजिएगा। Do you need somebody to go to the store? क्या आपको किसी को स्टोर पर भेजने की जरूरत है, लड़के ने कहा। Ask the boy, लड़के ने कहा। Maybe to get some milk or something, दूध लेने के लिए या कोई और चीज़, लड़के ने फिर एतमाद दिया, क्या कोई चीज़ ज़रूरत है तो मैं जाकर बाहर से ले आता हूँ। Don't believe I do, मत सोचो कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी, said the woman, औरत ने कहा। Unless you just want sweet milk yourself, हाँ अगर तुम्हें मीठा दूध चाहिए अपने लिए तो फिर तुम जा सकते हो। I was going to make खोखा, मैं कोका डिश बना रही हूँ, मीठी डिश होती है कोका, आउट ऑफ दिस कैंड मिल्क, डब्बे वाले दूध से मैं कोका बना रही हूं, आई गॉट हेयर, और ये मेरे पास है, मैं ले चुकी हूं। दैट विल बी फाइन, ये ठीक है, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। शी हीटेड सम लीमा बीन्स, उसने कुछ दालें गरम की, एंड बीफ, गोश्त गरम किया। शी हैड इन द आइस बॉक्स, जो फ्रिज में मौजूद था, मेड द कोका, कोका बनाया, एंड सेट द टेबल, और टेबल पर लगा दिया। द वैमैन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट, औरत ने कुछ नहीं पूछा लड़के से, अबाउट वेयर ही लिव्ड, कि कहाँ वो रहता है, और इस फोक्स, या उसका खानदान कैसा है, और एनीथिंग एल्स, या कुछ भी और नहीं पूछा। दैट वुड एम्बैरस हिम, जो चीज़ उसे परेशान करे खाने के दौरान, एम्बेरस परेशान करना होना। इंस्टेड एज दे एट, इसकी बजाय जब वो खाना खा रहे थे, शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, अबाउट हर जॉब, अपने काम के बारे में, इन अ होटल, एक होटल में काम करती है, होटल ब्यूटी शॉप, एक होटल की ब्यूटी शॉप में वो औरत काम करती है। दैट स्टेड ओपन लेट, जो रात को देर तक खुली रहती है। व्हाट द वर्क वाज लाइक, और उसने बताया कि काम वो किस तरह का करती है। एंड हाउ ऑल काइंड्स ऑफ वैमन केम इन, और किस तरह हर किस्म की औरतें उस ब्यूटी शॉप पर आती हैं, एंड आउट, और जाती हैं। ब्लाउंड्स, गोरी गोरी औरतें वहाँ पर आती हैं, सुर्ख बालों वाली, रेड हेड्स, सुर्ख बालों वाली आती हैं, एंड स्पेनिश वैमन आती हैं, स्पेन की। देन शी कट हिम अ हाफ ऑफ हर 10 सेंट केक, फिर उसने उसको 10 सेंट का केक, बड़े केक का एक टुकड़ा काट कर दिया, आधा काट के दे दिया उसने केक, 10 सेंट केक, 10 सेंट का केक उसने आधा काट के दे दिया। 10 सेंट से मुराद ये कि वो हेल्दी था, हाथ जितना केक था, पाव का केक था। ईट सम मोर सन, कुछ और खाओ बच्चे, शी सेड, उसने कहा। वेन दे फिनिश्ड ईटिंग, जब उन्होंने खा लिया, शी गॉट अप, वो खड़ी हुई, एंड सेड, और कहा, नाउ हियर टेक दिस $10, आप देखो ये लो $10, एंड बाय योर सेल्फ सम ब्लू सूट शूज, और अपने लिए नरम लेदर वाले सूट शूज खरीद लेना। एंड नेक्स्ट टाइम, और दोबारा, डू नॉट मेक द मिस्टेक, दोबारा गलती ना करना, ऑफ लचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक,
मेरी मेरे पर्स से लैचिंग, मेरे पर्स को छीनने की कोशिश ना करना। नॉट नोबडी एल्सेस, ना ही किसी और के पर्स को छीनने की कोशिश करना। बिकॉज शूज गॉट बाय डेवलिश बॉयज, क्योंकि जो जूते जहन्मी तरीके से हासिल किए जाते हैं विल बर्न योर फीट, वो तुम्हारे पांव जला देंगे। शैतानी तरीके से जो शूज़ तुम हासिल करोगे वो तुम्हारे पांव जला देंगे। आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, मैंने आराम करना है। जहन्नुम के रास्ते पर तुम्हें ले जाएंगे वो शूज़ जो तुम गलत तरीके से हासिल करोगे, यानी कि तुम्हारा रास्ता सारा का सारा, जिस रास्ते पर चलोगे तुम जलील व ख्वार होगे इस दुनिया में। बट फ्राम हेयर ऑन, लेकिन अब के सन बच्चे, आई होप यू विल बिहेव योर सेल्फ, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने आप को ठीक कर लोगे। बिहेव योर सेल्फ, अपने आप को ठीक कर लोगे। शी लेड हिम डाउन द हॉल, वो उसे नीचे हॉल की तरफ ले आई, टू द फ्रंट डोर, और बाहर के दरवाजे पर ले आई। एंड ओपनड इट, दरवाज़ा खोला। गुड नाइट, खुदा हाफिज, शब बख़ैर। बिहेव योर सेल्फ बॉय, लड़के अपने आप को ठीक करो। शी सेड, उसने कहा। लुकिंग आउट इन टू द स्ट्रीट, गली में देखते हुए, एज ही वेंट डाउन, जैसे ही लड़का नीचे उतरा दरवाजे से, बड़े गेट से, द स्टेप्स, जैसे ही लड़का बड़े दरवाजे से सीढ़ियां नीचे उतरकर गली में उतरा, उसने गली में देखा, जैसे औरतें झांकती हैं गली में इधर उधर। द बॉय वॉन्टेड टू से समथिंग, लड़का कुछ कहना चाहता था, अदर देन, कुछ और। थैंक यू मैम, वो कहना चाहता था, थैंक यू मैम, मैडम आपका बहुत शुक्रिया। टू मिसेस ल्योला बैट्स वाशिंगटन जॉन्स, वो ल्योला बैट वाशिंगटन जॉन्स को कहना चाहता था, मैडम शुक्रिया। बट ऑल दो हिज लिप्स मूव्ड, गो के उसके लिप्स थरथराए, ही कुड नॉट इवन से, वो ये कह भी नहीं सका। दैट एज ही टर्न्ड एट द फुट ऑफ द बैरन स्टूप एंड लुक्ड अप एट द लार्ज वेमेन इन द डोर, ही कुड नॉट इवन से, वो नहीं कह सका। दैट एज ही टर्न्ड, जैसे ही वो मुड़ा, एट द फुट ऑफ द बैरन स्टूप, उस बंजर सुनसान चबूतरे से, स्टूप चबूतरा, घर के आगे सीढ़ियाँ होती हैं गेट के साथ, थल्ला सा होता है, रैंप जिसे कहते हैं हम, जैसे वो उस सुनसान चबूतरे से नीचे के कदम पर उतरा, एट द फुट, नीचे के कदम पर उतरा, एंड लुक्ड अप, और ऊपर देखा, एट अ लार्ज वैमन, बड़ी औरत को, इन द डोर, दरवाजे में। जैसे ही वो मेन दरवाजे के चबूतरे से नीचे उतरा, उसने बड़ी कद की औरत को देखा, तो वो कुछ कह नहीं सका। देन शी शट द डोर, फिर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। देयर आर ओनली 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, और 5 क्वेश्चंस करने का मतलब है यू हैव डन 50 क्वेश्चंस। ऑल बोर्ड्स के लिए हैं, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। खामोशी से ये क्वेश्चन तैयार कीजिए, आपके पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन इस तरह वेल बिल्ट हैं कि आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलते हैं। लैंग्वेज सिंपल है लेकिन स्ट्राइकिंग है, स्पार्कल है, उसमें बहुत कुछ है। तो ऐसा लगता है वो जब आंसर लिखते हैं आप पेपर चेकर को, कि जैसे आप लिटरेचर के हवाले से बहुत कुछ जानते हैं, ऐसी टेक्निक पर बनाए हैं। नोट्स 1500 में हैं। दिस इज़ योर होस्ट एडवोकेट एम के बोटा। माई व्हाट्सएप 0333465305। नाइस ऑफ यू।